हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना पढ़ लिए थे, तो गाइस आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कैंसर। जो कैंसर होता है यह एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न लेकर आता है, तो अब हम लोगों का 3 नंबर तैयार होने वाला है। तो आइए हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस, कैंसर जिसमें हम लोग कैंसर को पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है, ओंकोलॉजी। जो गाइस हम लोग कैंसर का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे ओंकोलॉजी कहते हैं। अब कैंसर होता क्या है या उत्पन्न कैसे होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके निवारण क्या है, हम इन सब के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करेंगे। तो गाइस, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये सेल है और ये इसका सेंटर न्यूक्लियस केंद्रक है। अब मान लीजिए यह सेल 24 घंटे में डिवाइड होकर 2 सेल का निर्माण करता है। तो गाइस, जैसे मान लीजिए हमारा एक सेल है, यह है इसका केंद्रक है, यह 24 घंटे में डिवाइड होकर 2 सेल का निर्माण करता है। अब कैंसर में क्या होता है, जो यह हमारा सेल होता है, जो यह हमारा सेल है, यह अनियमित रूप से वृद्धि कर ढेर सारे कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। यह जो हमारा कैंसर सेल है, यह देखिए, जो हम लोगों का नियमित था, जो हम लोगों का सुचारू रूप से कोशिका काम कर रहा था, वो केवल 2 भागों में डिवाइड हुआ। फिर इसके पश्चात अब जो हम लोगों का कैंसरस सेल है, यह देखिए, यह ढेर सारे कोशिका में विभाजित हो गया, फिर इसका ढेर सारा न्यूक्लियस हो गया। तो इस अनियमितता मतलब यह पहला तो जो था वह 2 भागों में विभाजित हुआ, वह नियमित रूप से था, और यह जो है यह अनियमित रूप से वृद्धि कर रहा है। तो जो कैंसर होता है यह कोशिकाओं की अनियमित संरचना के कारण बनता है। जो हम लोगों का कैंसर है यह कोशिकाओं की अनियमित संरचना या अनियमित रूप से बढ़ने से बनता है, अनियमित रूप से विखंडित होने से बनता है। तो गाइज, जिसे आप इसे हम लोग जब यह अनियमित रूप से ढेर सारे कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, इसे हम लोग बोलेंगे ट्यूमर। ट्यूमर जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्बुद, अर्बुद। गाइस, यह हम लोगों का जो यह कैंसरस सेल है, यह कैंसर सेल मान लीजिए यह सेल है जो इसी से कैंसर सेल का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग कैंसरस सेल बोल सकते हैं। तो गाइस, यह जो सेल है यह ढेर सारे सेल में विभाजित हो गया और यह अनियमित रूप से बढ़ गया। अनियमित रूप से बढ़ने के कारण इसे हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर को हिंदी में बोलते हैं अर्बुद। अब हम लोगों का जो ट्यूमर होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो हम लोगों का ट्यूमर होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है सुदम, एक होता है सुदम अर्बुद और एक होता है दुर्दम अर्बुद। एक होता है सुदम अर्बुद, एक होता है दुर्दम अर्बुद, दुर्दम अर्बुद। एक होता है सुदम अर्बुद, एक होता है दुर्दम अर्बुद। गाइस, यह हम लोगों का हो गया ट्यूमर के प्रकार, एक होता है सुदम, एक होता है दुर्दम। तो गाइस, जैसे गाइस हम लोगों का जो सुदम ट्यूमर है, यह जैसे कोई मेल बॉडी है ना, यह मेल बॉडी है, यह मेल बॉडी में केवल एक जगह पर रहेगा। मान लीजिए हम लोगों का ट्यूमर है, यह ट्यूमर है, यह केवल एक जगह पर रहेगा, यह ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। यह जो हम लोगों का सुदम अर्बुद होता है, यह मानव ह्यूमन बॉडी में केवल एक जगह पर रहता है, तो इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो यह हम लोगों का दुर्दम होता है, मान लीजिए एक दुर्दम ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं, तो यह ज़्यादा हानिकारक होता है। सुदम अर्बुद वह अर्बुद होता है जो केवल एक स्थान पर ही पाया जाता है। सुदम ट्यूमर वह ट्यूमर होता है जो केवल एक स्थान पर पाया जाता है, यह वृद्धि नहीं करता, यह कई स्थानों पर नहीं जाता, इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो हम लोगों का दुर्दम अर्बुद होता है, यह वृद्धि व विकास करता है तथा ढेर सारे भागों में बढ़ जाता है।
तो यह हम लोगों का हो गया सुधम अर्बुद और एक हो गया दुर्धम अर्बुद। अब गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रकार के बारे में। तो गाइज इसका पहला होता है कार्सिनोमा, दूसरा होता है सार्कोमा, और तीसरा होता है ल्यूकेमिया। गाइस यह है हम लोगों का कैंसर का टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। पहला है कार्सिनोमा, दूसरा है सार्कोमा, तीसरा है ल्यूकेमिया। जो हम लोगों का कार्सिनोमा होता है या अस्तन में होता है, फेफड़े में होता है, आमाशय में होता है, आमाशय में होता है वह अग्नाशय में होता है, अग्नाशय कैंसर, अग्नाशय कैंसर। और जो गाइज हम लोगों का सार्कोमा होता है या हड्डियों में होता है, हड्डी में, और हमारे शरीर में कहीं पर गांठ बन जाता है। और जो हम लोगों का ल्यूकेमिया होता है या हमारे ब्लड में होता है, या हमारे ब्लड में होता है, जो हमारे ब्लड में, जो हमारे ब्लड में या ढेर सारे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कर देता है, या हमारे ब्लड में जो WBC कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या में वृद्धि कर देता है। तो गाइज पहला है हम लोगों का कैंसर में कार्सिनोमा, दूसरा है सार्कोमा और तीसरा है ल्यूकेमिया। जो हम लोगों का कार्सिनोमा होता है यह अस्तन में पाया जाता है, फेफड़े में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है और कैंसर में पाया जाता है। और जो हम लोगों का सार्कोमा कैंसर होता है यह हमारे हड्डियों में पाया जाता है, या जैसे हमारे शरीर में मांसपेशियों में कहीं पर गांठ हो जाता है तो उसे हम लोग सार्कोमा कैंसर बोलते हैं। और जो हम लोगों का तीसरा है या ब्लड है, या ब्लड में हमारे जो WBC के मॉलिक्यूलर होंगे, WBC के अणु होंगे, उनकी संख्या में या विभाजित होकर ढेर सारी संख्या में वृद्धि कर जाता है। तो गाइज यह जो होता है हम लोगों का एक्टोडर्म, एक्टोडर्म अस्तर में होता है, एक्टोडर्म त्वचा में, और यह जो होता है हम लोगों का मीजोडर्म, मीजोडर्म त्वचा में होता है, और यह तो हम लोगों का ब्लड में होता है। तो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा वह कैंसर है जो अस्तन, फेफड़ा, अग्नाशय, आमाशय और यह है एक्टोडर्म त्वचा, जो मानव के अंदर त्वचा के प्रकार होते हैं वह होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म। तो यह जो होता है यह हमारे एक्टोडर्म त्वचा को प्रभावित करता है, और यह जो होता है यह मेजोडर्म त्वचा को प्रभावित करता है। और जो ल्यूकेमिया होता है यह ब्लड में जाता है तथा ब्लड में जो WBC के अणु होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कर देता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो कैंसर का निर्माण होता है वह कोशिकाओं के अनियमित संरचना के कारण होता है। इनमें जो कोशिकाएँ होती हैं वह ढेर सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, अनियमित रूप से विभाजित हो जाती हैं, जिसके कारण कैंसर का निर्माण होता है। तो यह हो गया हम लोगों का कैंसर के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के कारण के बारे में। अब जो अगला टॉपिक है हम लोगों का कैंसर के कारण, पहला आ जाता है हम लोगों का भौतिक कारण, दूसरा आ जाता है रासायनिक कारण और तीसरा आ जाता है जैविक कारक। पहला हम लोगों का आ गया भौतिक कारक, दूसरा आ गया रासायनिक कारक,
भौतिक कारक, रासायनिक कारक, अब हम लोगों का है जैविक कारक। गाइस जो हम लोगों का भौतिक कारक होता है इसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्सिकल, फिजिक्सिकल फैक्टर। जो रासायनिक होता है इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल फैक्टर, और जो जैविक होता है इसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर। गाइज यह जो हम लोगों का कैंसर के टाइप है, पहला है भौतिक फिजिकल फैक्टर, गाइज जो हम लोगों का भौतिक कारण है उसमें आता है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, और दूसरा है एक्स किरणें। गाइज इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है, और तीसरा है हम लोगों का वाई किरणें। और जो हम लोगों का रासायनिक में है इसमें आ जाता है पहला कालिक, कालिक एक प्रकार का पदार्थ होता है कालिक, दूसरा आ जाता है सिगरेट का धुआं, सिगरेट का धुआं, और तीसरा है मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। और हम लोगों का जो इसमें जैविक कारण में है यह है ओंकोजेनिक जीन, ओंको ओंको जेनिक जीन। गाइस यह है हम लोगों का कैंसर के प्रकार, पहला इसमें हम लोगों का भौतिक कारण फिजिकल फैक्टर, दूसरा है रासायनिक कारण केमिकल फैक्टर, और तीसरा है जैविक कारण बायोलॉजिकल फैक्टर। गाइस जो हम लोगों का भौतिक होता है, भौतिक जो हमारे परिवेश, जो हमारे वातावरण के द्वारा फैलता है, वह भौतिक कारक में हम लोगों का पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, वाई किरणें। जब यह हमारी पराबैंगनी किरणें जो होती हैं अगर ये हमारे त्वचा पर पड़ती हैं, ये जो हम लोगों का पराबैंगनी किरणें होती हैं अगर ये हमारे त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा में कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। जब कोशिका नष्ट होगा तो उससे ऊतक नष्ट होगा, तो इससे जो बगल की कोशिकाएं होंगे उन पर भी प्रभाव जाएगा, उन पर भी प्रभाव जाएगा, और वो भी नष्ट होना शुरू कर देंगे। तो गाइज यह जो हम लोगों का भौतिक कारण है उसमें किरणों के द्वारा, मान लीजिए रेज के द्वारा, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, वाई किरण के द्वारा होता है, और इसके द्वारा स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर होता है। और जो हम लोगों का दूसरा है वह है रासायनिक कारण, इसका जड़ हम लोग खुद हैं, हम लोगों के सेवन, कुछ हम लोग कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें हम लोगों को उसके पैकेट के बाहर भी लिखा रहता है कि यह कैंसर के लिए हानिकारक है, लेकिन कोई नहीं मानता, लोग पीते हैं, तो इसके कारण होता है। जैसे कालिक के कारण सिगरेट का धुआं, जो हम लोगों का सिगरेट का पैकेट मिलता है उसके बाहर लिखा रहता है सिगरेट पीना कैंसर का कारण है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता, ये दुविधा खुद पालते हैं, तो सिगरेट के धुआं के कारण होता है। और तीसरा होता है मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस के कारण भी कैंसर होता है। यह बहुत ही जहरीली गैस होती है, मतलब यह स्वाद में तो अच्छी लगती है लेकिन जब हमारे शरीर में जाकर कोशिकाओं को प्रभावित करती है तो यह बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है कैंसर का। और जो तीसरा है हम लोगों का ओंकोजेनिक जीन, यह ओंकोजेनिक जीन हमारे कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। कभी कभी कोशिकाएं जो हमारी होती हैं, हमारी कोशिकाओं में प्रोटो ओंकोजीन पाया जाता है, या जो प्रोटो ओंकोजीन होता है यह ओंकोजीन में परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण कैंसर का निर्माण होने लगता है। जो यह ओंकोजीन होता है यह स्रावित होता है प्रोटो ओंकोजीन, प्रोटो ओंको
प्रोटो ओंकोजीन, यह हमारे सेल्स में पाया जाता है, यह हमारे सेल्स में पाया जाता है। जो प्रोटो ओंकोजीन होता है यह हमारे सेल्स में पाया जाता है। कभी कभी हमारे सेल्स में जो प्रोटो ओंकोजीन है उसके बजाय ओंकोजीन स्रावित होने लगता है, जो जैविक कारण कैंसर के निर्माण के लिए जैविक कारण में निर्माण करता है, जैविक कारण में सहायता प्रदान करता है। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का कैंसर के कारण। कैंसर के कारण में निम्नलिखित प्रकार के तीन कारण होते हैं, पहला भौतिक कारण, दूसरा रासायनिक कारण और तीसरा जैविक कारण। जो भौतिक कारण होता है वह प्रकृति में विद्यमान कुछ किरणों के द्वारा, मानव निर्मित किरणों के द्वारा होता है, जैसे पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेज, यह सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं। जो ओजोन परत है उसमें छिद्र होने के कारण यह धरती पर आ जाती हैं तथा मैन के या किसी भी प्राणी के स्किन पर पड़ती है तो स्किन में टिश्यू को नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण स्किन कैंसर होता है। गाइस जो हो गया पराबैंगनी रेज, एक्स रेज, वाई रेज तथा इन किरणों की, जो ये तीनों किरणें हैं इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, भेदन क्षमता, जो इनकी भेदन क्षमता होती है यह अधिक होती है। इनकी जो भेदन क्षमता होती है गाइस यह बहुत ही अधिक होती है। अगर हमारे शरीर पर पड़े तो ये एक्स किरणें वाई किरणें शरीर को आर पार कर जाएंगे। और जो दूसरा है रासायनिक कारण में, कालिक, सिगरेट का धुआं, आजकल तो फैशन हो गया सिगरेट पीना, लेकिन लोग इससे जानते नहीं है कि इससे कितना बड़ा कारण होता है या कैंसर का, फिर भी लोग यूज करते हैं। और जब लोगों का तीसरा है यह तो हमारे शरीर में जो सेल्स में पाया जाता है प्रोटो ओंकोजीन, यह किसी कारणवश ओंकोजीन को स्रावित करने लगता है जो सेल में कैंसरस सेल का निर्माण करने लगते हैं। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का कैंसर के कारण। अब कैंसर फैलता कैसे है आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो होता है हम लोगों का कैंसर एक होता है केवल एक जगह पर होता है और एक होता है जो फैलता है, मतलब ढेर सारे जगहों पर फैल जाता है। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे जो ब्लड कैंसर होता है यह कैसे फैलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस जैसे मान लीजिए यह हमारा ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड बह रहा है, यह हमारा ब्लड वेसल्स ए मान लीजिए और एक बी मान लीजिए, गाइस यह हम लोगों का ब्लड वेसल्स मतलब वाहिकाएं जिसमें रक्त बहता है, नली मान लीजिए यह एक नली है और यहां पर ढेर सारे कोशिकाएं हैं, ये सभी अच्छी कोशिकाएं हैं नियमित रूप से विभाजित होती हैं। आइए अब हम लोग इन्हीं में देखेंगे कि अनियमितता के कारण यह जो होती हैं किस प्रकार से ब्लड में जाती हैं। और गाइस इनमें जो होता है कॉन्टेंट इनहिबिटेशन जो हमारे सेल होते हैं इनके बाहर कॉन्टेक्ट इनहिबिटेशन मतलब स्पर्श संबंधन गाइस जो कॉन्टेंट इनहिबिटेशन होता है यह कैंसरस सेल्स में पूरी तरह खत्म होता है। जैसे यह हमारा सेल है यह केवल दो भागों में विभाजित होगा, फिर इसके पश्चात यह जो इसके बाहर मान लीजिए यह अगर यह ढेर सारे भागों में विभाजित भी हो रहा है, जैसे अर्बुद मान लीजिए एक हम लोगों का था सुदम, एक हम लोगों का था दुर्दम। जो सुदम था मान लीजिए यह कैंसर सेल है, इससे दो सेल का निर्माण हुआ, जो हम लोगों का सुदम है वह ज़्यादा हानि नहीं होता केवल एक स्थान पर होता है। तो जो हमारे इसके बाहर जो होता है कॉन्टेंट इनहिबिटेशन यह मजबूत होता है। अब यहाँ पर ढेर सारा म्यूटेशन होगा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन केवल यह रहेगा दो ही, एक ही
केवल एक ही रहेगा। इसमें जो कोशिकाएं नई बनेंगी वह मर जाएंगी, नई कोशिकाएं जो बनेंगे, जो पुरानी कोशिकाएं रहेंगे वह मर जाएंगे, फिर इसके पश्चात नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो हमारा दुर्दम होता है, दुर्दम उसमें जो यह कोशिकाएं हैं इनके बाहर का या जो है हम लोगों का कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन या टोटली नष्ट हो जाता है। तो जब विभाजित होगा यह हुआ, फिर इससे यह ढेर सारे कैंसरस सेल का निर्माण करेगा, इससे यह ढेर सारे कैंसरस सेल का निर्माण करेगा। तो गाइज कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन जो हमारे कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है, और जो कैंसरस सेल होती हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन का गुण नहीं पाया जाता, जिसके कारण वे तेजी से वृद्धि करती हैं। तो गाइज हम लोगों का टॉपिक यह था कि कैंसर का कारण, कैंसर कैसे फैलता है, तो आइए हम लोग कैंसर के कारण में पढ़ते हैं। जैसे गाइज यह हो गया हम लोगों का वेसल, और यह हो गया हम लोगों का ढेर सारा सेल, और ढेर सारा सेल के ये हैं सब न्यूक्लियस, ये हैं ढेर सारे सेल के न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। अब जैसे गाइज मान लीजिए इसी में एक सेल है, यह जो कैंसरस सेल है, मान लीजिए यही कैंसरस सेल है, और इसके चारों तरफ जो कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन का गुण होता है वह बहुत कम होता है। मान लीजिए यह जो है इसमें म्यूटेशन हो गया, यह धीरे 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 ढेर सारे कोशिका में विभाजित हो जाएगा, अनियमित रूप से ढेर सारे कोशिका में विभाजित हो जाएगा। आइए हम लोग जो कैंसर सेल है इसके केंद्र को बड़ा करके दिखाते हैं। मान लीजिए एक ये हुआ, ये दूसरा हो गया इतना बड़ा बड़ा, फिर यहाँ पे ये तीसरा हो गया, फिर यहाँ पे ये चौथा हो गया, यहाँ पे यह पांचवा हो गया, केवल एक सेल के कारण। क्योंकि गाइस जो कैंसरस सेल में होता है इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन का गुण बहुत ही कम होता है, और यह अनियमित रूप से वृद्धि करता है। यह इनमें से ये सभी कोशिकाएं सही हैं, लेकिन यह जो कैंसरस सेल है यह ढेर सारे भागों में विभाजित होने लगा। अब ढेर सारे भागों में विभाजित हुआ तो मान लीजिए यहाँ पर जो कैंसरस सेल है इनकी संख्या अधिक हो गई है। इनके केंद्र को हम लोग थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। यहाँ पे गाइस ये हम लोगों का जो सही सेल है, सही सेल, सही कोशिका, और यह हम लोगों का कैंसर जन कोशिका। कैंसरजन कोशिका, अब मान लीजिए यह जो कैंसरजन कोशिका है यह यहाँ पर इन सेल के अंदर है, कुछ देर के बाद कुछ समय पश्चात जब इसमें म्यूटेशन हुआ और जो इसमें प्रोटो ओंकोजीन था वह ओंकोजीन में स्रावित होने लगा, तो यह धीरे धीरे ढेर सारे अनियमित रूप से ढेर सारे भागों में बढ़ जाता है तथा उसके ढेर सारे केंद्रक हो जाते हैं। और जब यह यहाँ पर आया, अब मान लीजिए यह जो फिगर भी है, चित्र भी है, अब यहाँ से देखिए यह जो कैंसर जन सेल हैं यहाँ पर विभाजित हो, इसके पश्चात अब यहाँ पर ब्लड में आना शुरू कर दी। मान लीजिए ये ब्लड में आ गई, अब ब्लड में जो रुधिर वाहिकाएँ वह जो ब्लड में रुधिर वाहिकाएँ रहेंगे और जो हम लोगों का WBC होगा या उसी के माध्यम से पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में होता है, तो यह ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। फिर से आइए एक बार समझ लेते हैं जो कैंसर होता है वह फैलता कैसे है। मान लीजिए जो ब्लड कैंसर होता है वह कैसे फैलता है, या हम लोगों का ब्लड का हो गया जिसमें ब्लड बहता है, तो अब इसके ऊपर ढेर सारे सेल लगे रहेंगे, ढेर सारे सेल लगे रहेंगे। अब इनमें से एक जो सेल है इसमें प्रोटो ओंकोजीन जीन जो होता है वह ओंकोजीन जीन स्रावित करने लगता है, ओंकोजीन जीन स्रावित करने लगता है। अब यह स्रावित किया, यह ढेर सारे भागों में विभाजित हो गया। विभाजित होने के पश्चात अब यह देखिए इसमें इसके जो यहाँ पे यह चार दीवारी था या जो इसका यह स्तर था, ये लोग इसे तोड़कर हमारे ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड में कणिकाओं के माध्यम से, RBC के माध्यम से ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं।
तथा अगर समय रहते जो ब्लड कैंसर होता है, अगर समय रहते हम लोग इसका जांच करा लें, इसका जांच पड़ताल करा के अगर उसकी दवा करा लें तो हम लोग सही हो जाएंगे। अगर गाय समय निकल गया या कंट्रोल से आउट हो गया तब तो व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जाता है। गाय जो हो गया, हम लोगों का पहले हम लोग पढ़े कैंसर के प्रकार, अर्बुद के प्रकार, फिर कैंसर के प्रकार, फिर कैंसर के कारण, अब कैंसर कैसे फैलता है यह हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों का जो होता है कैंसर की जांच, जो हम लोगों को कैंसर होता है इसकी जांच कैसे करते हैं, तो आइए अब हम लोग कैंसर के जांच के बारे में पढ़ते हैं। कैंसर के जांच के बारे में पढ़ते हैं। यह हम लोगों का कैंसर, इसका हम लोग जांच करेंगे और इसका जो जांच होता है वह होता है प्रतिबिंबन तकनीक, प्रतिबिंबन तकनीक, प्रतिबिंबन तकनीक। और जो गाइज हम लोगों का यह जो प्रतिबिंबन तकनीक होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है बायोप्सी और एक होता है इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी। और गाय जो इसमें हम लोगों का आता है वो होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल। और जो इंडोस्कोपी होता है इसका हम लोग एक्सरे के माध्यम से जांच करते हैं और सीटी स्कैन के माध्यम से, सीटी स्कैन। और एक होता है हम लोगों का एमआरआई, यह हम लोगों का जो कैंसर का जांच करते हैं वह प्रतिबिंबन तकनीक, इमेजिंग, इमेजिंग तकनीक, टेक्निक, इमेजिंग टेक्निक। गाइस जो हम लोगों का कैंसर होता है इसका जांच हम लोग प्रतिबिंबन तकनीकी के द्वारा करते हैं। या जो हम लोगों का प्रतिबिंबन तकनीकी होता है यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है बायोप्सी और दूसरा होता है इंडोस्कोपी। जो बायोप्सी में होता है हम लोगों का होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल और जो होता है हम लोगों का इंडोस्कोपी में एक्सरे, इसके पश्चात आ जाता है हम लोगों का एमआरआई, इसके पश्चात सीटी स्कैन। तो गाइस यह जो हम लोगों का प्रक्रम है यह बहुत ही मेन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम लोग कैंसर के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करते हैं और यह भी बायोप्सी जो होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल के द्वारा चेक करते हैं। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल के द्वारा चेक करते हैं और जो इंडोस्कोपी होता है इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो हिस्टोपैथोलॉजिकल होता है, जो हम लोगों का हिस्टोपैथोलॉजिकल होता है इसमें हम विशेष प्रकार के यंत्रों के द्वारा, विशेष प्रकार के उपकरणों के द्वारा हम लोग इसका बायोप्सी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। इसमें विशेष प्रकार के उपकरणों के द्वारा हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। अब वह उपकरण क्या होते हैं, जैसे हम लोगों का हो गया रासायनिक उपकरण, भौतिक उपकरण, जैविक उपकरण, इन सभी के द्वारा हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। और जो हम लोगों का एंडोस्कोपी होता है इसमें हम लोग रेज के द्वारा करते हैं, जैसे एक्सरे के द्वारा, एक्सरे को हम लोग अपने जहां पर हम लोगों का कैंसर हुआ रहेगा वहां पर भेजेंगे तथा उसके द्वारा हम लोग जो कंप्यूटर पर जो रीडिंग आता है उसके द्वारा हम लोग पढ़ लेते हैं। और दूसरा होता है सीटी स्कैन, यह भी हम लोगों का रेज पर ही आधारित है। और एमआरआई, यह भी हम लोगों को किरणों के द्वारा ही इसका चेक किया जाता है।
तो हम लोगों को जो कैंसर होता है इसका जांच प्रतिबिंबन तकनीकी इमेजिन टेक्निक के द्वारा किया जाता है। या जो इमेजिन टेक्निक होता है या दो प्रकार का होता है, एक होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल और एक होता है एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई। अब आइए हम लोग कैंसर के उपचार के बारे में पढ़ते हैं। यह तो हो गया हम लोगों का कैंसर का जांच। कैंसर का जांच हम लोग दो प्रकार से करते हैं। अब आइए हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के उपचार। कैंसर के उपचार ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट जो हम लोगों का कैंसर का उपचार होता है वह तीन प्रकार से होता है। एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है कीमोथेरेपी और एक होता है रेडियोथेरेपी। एक होता है रेडियोथेरेपी और एक होता है सर्जरी। एक होता है सर्जरी। गाइस, जो हम लोगों का कीमोथेरेपी होता है इसमें हम लोग औषधियों का उपयोग करते हैं। औषधियों का उपयोग आयुर्वेद के द्वारा इसमें हम लोग कीमोथेरेपी का। और जो रेडियोथेरेपी होता है इसमें हम लोग विकिरण के द्वारा, घातक विकिरण एक्सरे के द्वारा इसका इलाज करते हैं। इसमें हम लोग विकिरण के द्वारा करते हैं। जैसे विकिरण में आ गया एक्सरे। और जो सर्जरी होता है, सर्जरी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। सर्जरी कहीं पर हुआ है उसके अंग को काट कर निकाल देते हैं। इसमें हम लोग विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा करते हैं। विशेष प्रकार के यंत्र। तो गाइस, यह होता है हम लोगों का कैंसर का उपचार। गाइस, कैंसर के उपचार के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। अगर कैंसर ब्रेन में हुआ है या फिर और कहीं पर हुआ है तो उसका इलाज संभव है, लेकिन उसके समय के पहले हम लोग कैंसर की जांच करा लें, अगर उसका इलाज कराएं तो वह पूर्ण रूप से संभव है। अब जो कैंसर का हम लोग उपचार करते हैं यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है रेडियोथेरेपी, एक होता है सर्जरी। अब हम लोग कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, जैसे यह ह्यूमन बॉडी है, अगर यहाँ पे कैंसर हुआ है तो हम लोग घरेलू औषधि के द्वारा उसे नष्ट करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जैसे जो औषधि होता है यह हमारे आयुर्वेद विज्ञान में पाया जाता है। आयुर्वेद विज्ञान के द्वारा हम लोग औषधियों का अध्ययन करके जो जिस प्रकार का कैंसर रहेगा उसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो हम लोगों का रेडियोथेरेपी होता है इसमें हम लोग विकिरण, घातक विकिरण, वो भी एक्सरे के द्वारा करते हैं। जैसे यह हो गया हम लोगों का कैंसर सेल और उसके बगल बगल की जो कोशिकाएँ हैं तो सही हैं। मान लीजिए ये सारी कोशिकाएँ सही हैं, ये सारी कोशिकाएं सही है। और यह है हम लोगों का केवल एक कोशिका है कैंसर जेन सेल। यह है, मान लीजिए कैंसर का सेल है, अब इस पर घातक किरणों को हम लोग इस पर भेजेंगे व इसमें जो इसके केंद्रक रहेंगे, कोशिका द्रव्य रहेगा या जो सेल रहेगा, इसे पूरी तरह से नष्ट करते हैं। गाइस, यह बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। अगर इसमें जरा से भी चूक हुई तो इसका भारी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ढेर सारे रेज को भेजेंगे और यह मान लीजिए यह कैंसरस सेल को नष्ट कर दिया तो जो बगल की सेल रहेंगी इस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका घातक प्रभाव पड़ेगा। इसमें यह तो नष्ट हो जाएगा लेकिन इसके बगल के किरणों, जो बगल के सेल रहेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यह रेडियोथेरेपी के द्वारा हम लोग इस प्रकार से इसका उपचार करते हैं। रेडियोथेरेपी का गाइस एक ये चित्र होता है, साइन होता है, क्योंकि गाइस जिसमें हम लोग रेज के द्वारा करते हैं ना, तो इसका एक ये साइन होता है।
यह हो गया साइन। फिर इसके बाद सर्जरी, मान लीजिए हमें यह कैंसर हुआ है, हम लोग कैंसर के बारे में जांच करेंगे प्रतिबिंबन तकनीकी के द्वारा, जांच करने के पश्चात जानेंगे हाँ भाई यहाँ पे कैंसर हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे उसका सर्जरी करके उस भाग को काट कर निकाल देंगे। यह भाग भी, यह जो प्रक्रम होता है यह भी खतरनाक होता है, लेकिन इससे कम, इसमें तो अंग को काटने के लिए भाई तो खतरनाक होगा ही, तो इसमें जहाँ पर कैंसर होता है वहाँ पर हम लोग सेल को काट कर निकाल देते हैं। यह भी और यह जो तीनों प्रक्रम होते हैं इसमें विशेष सावधानी बरती जाती है। इसमें तो क्योंकि यह औषधि है या बाहर से ओरल मुंह से लिया जाता है औषधि, तब यह कुछ जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है, लेकिन यह दोनों इसमें हम लोगों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। यह हो गया गाइस हम लोगों का कैंसर का उपचार। कैंसर का उपचार हम लोग तीन प्रकार से कर सकते हैं, पहला है कीमोथेरेपी, दूसरा है रेडियोथेरेपी और तीसरा है शल्य चिकित्सक सर्जरी। कीमोथेरेपी के द्वारा हम लोग औषधियों को देकर, मान लीजिए कोई ग्रसित व्यक्ति है उसे हम लोग ओरल मुंह से औषधियों को देकर उसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो हम लोगों का रेडियोथेरेपी है इसमें जहां पर भी कैंसर सेल रहेगा वहां पर हम एक्सरे का बमबारी कराएंगे, वहां पर एक्सरे किरण के द्वारा हम लोग उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके पश्चात सर्जरी, सर्जरी में हम लोग ऑपरेशन के द्वारा उसके जहाँ पर वो कोशिका ग्रसित हुई रहेगी कैंसर से उसे हम लोग काट कर निकाल देते हैं। गाइस ये हो गया हम लोगों का कैंसर का उपचार। अब गाइस हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैंसर के लक्षण। गाइस पहला घाव जल्दी सही नहीं होते हैं, घाव जल्दी सही नहीं होते हैं। और दूसरा है व्यक्ति के वजन में, व्यक्ति के वजन में लगातार कमी होने लगता है, लगातार कमी होने लगता है। लगातार कमी होने लगता है। तीसरा लक्षण है बोलने में कठिनाई होने लगती है, बोलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई व खाना को निगलने में कठिनाई होने लगती है, वह खाना को निगलने में कठिनाई होती है, खाना को निगलने में कठिनाई होती है। और गाइस जो हम लोगों का चौथा है वो हमारे शरीर में कहीं पर गांठ जैसा बन जाता है, शरीर में गांठ जैसी आकृति बन जाती है, शरीर में गांठ जैसी आकृति बन जाती है। और जो पांचवा है जो हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल आवर्त चक्र होता है या महिलाओं में पाया जाता है, आवर्त चक्र में रक्त का स्राव लगातार
होता रहता है। या गाइस हो गया हम लोगों का कैंसर के लक्षण। पहला कैंसर, जैसे हम लोगों को कहीं पर घाव लग गया तो घाव लगने के कारण यह रुकता ही नहीं। अगर घाव लग गया और उसमें ब्लड नहीं रुक रहा है तो यह कैंसर का कारण नहीं बल्कि यह हीमोफीलिया का कारण है। घाव हम लोगों को लगा, ब्लड भी रुका, लेकिन वह सही नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग कैंसर कहेंगे। अगर घाव लगा, ब्लड लगातार जारी बह रहा है तो उसे हम लोग कैंसर नहीं कहेंगे, उसे हम लोग हीमोफीलिया का लक्षण कहेंगे, क्योंकि हीमोफीलिया में जो हम लोगों का रक्त होता है वह लगातार स्रावित होने लगता है, लगातार स्रावित होने होता रहता है, इसीलिए हम लोग हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं। वो हम लोगों का दूसरा चैप्टर है, हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों का यह जो है, जो घाव हम लोगों को लगता है वह जल्दी सही नहीं होता, वह धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, सही नहीं होता, तो पहला कैंसर का ये कारण होता है। और दूसरा, व्यक्ति के वजन में लगातार कमी होता जाता है। जो व्यक्ति होता है उसके वजन में लगातार लगातार कमी होने लगता है, जो कैंसर का कारण बनता है। और जो तीसरा है, जैसे कोई व्यक्ति बोलने में कठिनाई हो रही और वह खाना खा रहा है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, केवल उसे बोलने में कठिनाई हो रही, खाना खा रहा है, खाना को लिगने में कठिनाई हो रही, तो यह कैंसर का कारण है। और जो चौथा है, शरीर में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पर गांठ जमा हो जाता है, यहाँ पर सर में, यहाँ पर हाथ में, जिसे हम लोग गिल्टी बोलते हैं, तो यह भी कैंसर का ही कारण है। शरीर में कई स्थानों पर गांठ जैसे जमा हो जाते हैं तो यह हम लोगों का कैंसर का कारण हो गया। और फिर जो हम लोगों का, जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, आर्तव चक्र, उसमें जो खराब ब्लड होता है वह बाहर आता है, तो उसमें जो होता है रक्त का जो स्राव होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो महिलाओं में रक्त का स्राव होता है वह बंद ही नहीं होता, वह लगातार होता है, चलता रहता है, यह होता है कैंसर का कारण। तो गाइस हम लोग कैंसर, अर्बुद, कैंसर के प्रकार, कैंसर के कारण, कैंसर के उपचार, वह कैंसर के लक्षण, वह कैंसर किससे फैलता है, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिए। तो गाइज आज का क्लास बस यहीं तक। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।